दुनिया में एक ऐसा भी एम्प्लॉई है जिसकी जॉब है सिर्फ चाटे मारना। क्या आपने भी देखा है किसी को आंख से पेंटिंग करते हुए? जापान में ट्रेन कुछ सेकंड लेट हो जाए तो क्या होगा? ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं आप आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स बाय अमिता। जापान में एक ट्रेन सिर्फ 35 सेकंड लेट हो गई, जिसके लिए ड्राइवर ने माफी मांगी और रेलवे ने सारे पैसेंजर्स के टिकट के पैसे वापस कर दिए। भारत के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो हम ट्रेन का टाइम इसके शेड्यूल टाइम से 15-20 मिनट लेट मानकर चलते हैं। अमेरिका की पहली बैंक रॉबरी $16 मिलियन की थी। वैसे तो लगता है बैंक रॉबरी करने वाला बहुत ही दिमाग वाला होगा, मगर उसने एक ऐसी बेवकूफी कर दी जिसकी वजह से वो आसानी से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जानना चाहते हैं उसने ऐसा क्या किया? वो लूटे हुए रुपयों को उसी बैंक में डिपॉजिट करने चला गया। दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल का नाम भी शामिल है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा ताजमहल एक और देश में भी है? ये ताजमहल कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में है। इसे असली ताजमहल की कॉपी कहा जाता है, हालांकि इसका निर्माण सदियों पहले नहीं बल्कि सिर्फ 14 साल पहले यानी 2008 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में सिर्फ 5 साल का समय लगा। इसका निर्माण बांग्लादेश के अमीर फिल्म निर्माता एहसानुल्लाह मोनी ने $56 मिलियन में किया था। ये ताजमहल जितना इंटरेस्टिंग है, उसे बनाने की वजह भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि एहसानुल्लाह चाहते थे कि जो लोग पैसों की कमी की वजह से असली ताजमहल को देखने भारत नहीं जा सकते, वो इसका दीदार यहीं कर लें। जिराफ तो आप सभी ने देखा ही होगा जू में या टीवी में, मगर क्या आप जानते हैं इसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि अपनी जीभ से अपने कान भी साफ कर सकता है। दरअसल इसकी जीभ की लंबाई लगभग 21 इंच होती है। चाइना के एक एक्वेरियम में 2 डॉल्फिन्स ने प्लास्टिक निकल लिया। जब सारी कोशिशों के बाद भी कोई प्लास्टिक नहीं निकाल पाया, तब दुनिया के सबसे लंबे आदमी बाओ जिशून को बुलाया गया, जिन्होंने अपनी बाहें डॉल्फिन के मुंह में डालकर प्लास्टिक निकाल ली। वाओ, लंबी बाहों का ये भी यूज होता है, आज पहली बार सुना। मगर जो भी हो, डॉल्फिन्स की जान बच गई। आपको स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो सम्मेलन तो याद ही होगा, जिसमें उनके भाषण का एक एक शब्द आज भी याद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएसए के शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट में स्टेयर्स पर स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच के सारे 423 शब्द आज भी लिखे हुए हैं? ये स्पीच उन्होंने 11 सितंबर 1893 के शिकागो सम्मेलन में दी थी। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की अकेली ऐसी नागरिक हैं जिन्हें ड्राइविंग करने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो लाइसेंस इश्यू किए जाते हैं वो क्वीन के ही नाम से होते हैं और वो अपने आप को तो लाइसेंस दे नहीं सकती, इसलिए वो बिना किसी लाइसेंस के ही ड्राइविंग कर सकती हैं। ये होता है क्वीन का जलवा। ये तो आपको पता ही है कि आजकल स्कूल्स में एडमिशन के लिए कितनी ज्यादा फीस देनी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे स्कूल के बारे में जहाँ स्कूल फीस के रूप में प्लास्टिक वेस्ट लिया जाता है। ये स्कूल आसाम में स्थित है, जो बच्चों को फ्री एडुकेशन के साथ साथ हेल्दी एनवायरमेंट भी देना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसका मुंह इतना बड़ा है कि इसमें 100 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। ये सब सुनकर तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ होगा, लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगी वो सुनकर आप शायद चौंक जाएं। इतना बड़ा मुंह होने के बाद भी ब्लू व्हेल एक बीच बॉल से बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं निगल सकती। चौंक गए ना, मगर ये सच है। दरअसल इसका मुंह तो बड़ा होता है, मगर इसका गला इतना सकरा होता है कि ये बस छोटी छोटी चीजें ही निगल सकती है। हैरी पॉटर मूवी तो आप सभी ने देखी होगी। इस मूवी में क्लासरूम के सीन को रियल दिखाने के लिए इसके सभी चाइल्ड एक्टर्स क्लासरूम के सीन में अपने स्कूल का रियल होमवर्क करते थे। आजकल गर्ल्स हो, बॉयज हो या बच्चे, टी शर्ट्स तो सभी पहनते हैं और हमें बहुत पसंद भी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका इन्वेंशन कब और क्यों हुआ? दरअसल इसका इन्वेंशन हुआ था 1904 में और ये उन बैचलर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी जिन्हें शर्ट के बटन टांगने नहीं आते। मनीष सेठी नाम के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने एक लेडी को हायर किया है $8 पर आवर के लिए। उसकी जॉब क्या है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसे बस इतना करना है कि उसे मनीष सेठी के फेस पर चांटे मारने हैं, है ना मजेदार बात? और ये चांटे उसे तब मारने हैं जब मनीष सेठी वर्किंग आवर्स में फेसबुक चेक करने की कोशिश करे। वाह भाई, लोग भी कैसे कैसे ट्रिक्स आजमाते हैं अपने एडिक्शन को छुड़ाने के लिए। और साथ ही मुझे लगता है इस लेडी का जॉब दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग जॉब होगा।
अर्जेंटीना में रहने वाले लिएंड्रो ग्रानाटो के पेंटिंग के तरीके को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये अपनी नाक से कलर इनहेल करके आंखों से उसे निकालकर पेंटिंग करते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है, ये आइडिया उन्हें आया कहां से। दरअसल जब उनके दादाजी की मौत हुई तो उन्हें अंत्येष्टि का सारा काम देखना था और उस समय वो अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाए और रो भी नहीं पाए। 2 साल बाद जब उन्होंने बॉडी पेंटिंग स्टार्ट की तब आंख से आंसू निकालकर पेंटिंग करने का आइडिया उन्हें आया और लोगों ने भी उनकी पेंटिंग को बहुत पसंद किया। आई होप आपको इस वीडियो के फैक्ट्स पसंद आए होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें, तभी तो इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।